इसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलता हूँ। व्हाई वी नीड एडवोकेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट मैं इसे बोलता हूँ, मैं चूंकि एडवोकेट हूँ और अपने वकालत सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ, तो मैं इसी पे अपनी बात रखूंगा, सिर्फ मैं लीगली बात रखूंगा, इसके अलावा मैं नहीं आऊंगा। वो जो लॉ बने हुए हैं उसी के आधार पर कानून और लॉ जो भी पास करते हैं, जजमेंट ऑर्डर, वो उसी के आधार पर करते हैं, पर हमारे फंडामेंटल राइट टच नहीं कर सकते, वो टच करते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। और साथियों, हमें आज जो भी मिलता है हमें अपने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही मिलता है और कोई चीज नहीं देता है। साथियों, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, बहुत ही सुंदर संविधान दिया, विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया। संविधान देने के पश्चात हमारे हमें अपने राइट नहीं मिलते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिसकी दुर्गति आपके समक्ष है। अभी हाल ही में जजमेंट आया आपका 13 पॉइंट रोस्टर, बहुत ही इसका शोर है, बहुत ही शोर है इसका। और इसमें जो है इसका 13 पॉइंट रोस्टर का मैं कल एक नोटिफिकेशन देख रहा था, उसमें साथी जो पहले 200 पॉइंट रोस्टर चलता था उसमें 49.5% रिजर्वेशन होता था, बाकी अन रिजर्वेशन रहती थी। अभी जो 13 पॉइंट रोस्टर आया है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपका, 13 तक जाता हूँ मैं। साथियों, पहला जो पोस्ट है वो अनरिजर्व है, दूसरा जो पोस्ट है वो अनरिजर्व है, तीसरा जो पोस्ट है वो अनरिजर्व है, चौथा पोस्ट है ओबीसी का, पांचवा पोस्ट अनरिजर्व है, छठा पोस्ट अनरिजर्व है, सातवां पोस्ट शेड्यूल कास्ट का है, आठवां पोस्ट जो है ओबीसी का है, नवा अनरिजर्व है, और दसवां जो है नया जो है नया जो लॉ पास हुआ है ईडब्ल्यूएस, और दसवां पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस है। 11 पोस्ट जो है अनरिजर्व है, 12 ओबीसी है, और 13वां साथियों शेड्यूल कास्ट का है। जो पहले जो 13वां पद था साथियों एससी का था, शेड्यूल ट्राइब का था, जो उड़ गया, जो ईडब्ल्यूएस आया वो उड़ गया। अब साथियों, जिस तरह से यूनिवर्सिटी को पहले लिमिट माना था, जो है डिपार्टमेंट लिमिट माना गया है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में लगता 5 से ज्यादा वैकेंसी आएंगी, कभी नहीं आएंगी भविष्य में। तो जैसा मेरे साथी ने कहा था, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए, वाकई होना चाहिए, और इनको जैसे पता लगा कि इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही ये इनको ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो अपने घर मांग करते हैं, इसलिए इनको यही समाप्त कर दो। तो साथियों, ये कहां से हुआ? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हुआ, हाई कोर्ट से हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे एडवोकेट्स, जो लायक एडवोकेट्स हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हमारे जो लायक एडवोकेट्स हैं, हमारे जो लायक छात्र है, वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट सर्विस पकड़ लेता है, वो लॉ फर्म पकड़ लेता है, बहुत ज्यादा लायक हो गया तो म्यूनिसिपल बन जाता है, उससे ज्यादा क्या बनेगा? और फिर वो भी क्या करता है? अपना पेट पालता है, पेट पालने के अलावा साथियों कुछ नहीं करता है। और साथियों, हमें जो है अपना अधिकार हासिल प्राप्त होता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे बच्चों को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने की प्रेरणा देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। साथियों, मैं बताऊं आपको, यदि हम अपने एक बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हमारे, डॉक्टर बनाने एमबीबीएस करने की 6 वर्ष लगता है, उसको 6 वर्ष के बाद उसको एक मास्टर डिग्री लेनी पड़ती है, 2 साल उसमें 8 साल लगते हैं। और साथियों, हमारा जो आज का छात्र है उसको लॉ करने के लिए 5 साल लगता है, और 5 साल के बाद यदि आपने 2 साल उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया, तो आपको कहां जाएगा आपको पता नहीं, वो कहां जाएगा आपको पता नहीं, जितने आप नामी-गामी नाम सुनते हैं उससे भी बड़ा चला जाएगा। 2 साल और क्या बोल रहा हूं, 2 साल आप उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दो, जिस तरह से 5 साल उसको आपने शिक्षा दी है, मान के चलो कि आप 2 साल और उसको सपोर्ट कर रहे फाइनेंशियली, जो भी उसको खर्चा मिलता है उसको दो, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 जो आपकी क्षमता है उससे मानो नहीं। साथियों, जब 2 साल काम करेगा, 2 साल के बाद हमारे साथियों, हमारे देश में जो है जितनी जो हाईकोर्ट, अभी जो हाईकोर्ट है उसमें 1079 की संख्या है जजेस की संख्या, उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के मात्र 21 जज है, जो कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का बोलता है 21% होना चाहिए, उससे बहुत ही कम है। और जाते एक साथी हमारे ओबीसी के बैठे हुए, उन्होंने सही बात कही, हमारे ओबीसी साथी लड़ाई में लड़ता है, उसकी 52% संख्या होने के बावजूद
उसके जज मात्र 25 के आसपास हैं, हमसे भी गुरु स्थिति ओबीसी साथी की है मेरे, और हमारे ओबीसी साथी फिर भी हमारे से कंधा से कंधा मिला के बात नहीं करता है और हमसे दूरी बनाता है। साथियों हमारा जो आर्टिकल जो है आपका 124 और आपका 217 के तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस की अपॉइंटमेंट करने की पावर मिलती है। इसके तहत जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, पर वहां पे रिजर्वेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, आरक्षण का प्रावधान नहीं है। लोग कहते हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन नहीं है, इसमें रिजर्वेशन नहीं दे सकते। साथ ही गलत धारणा है, बिल्कुल ही गलत धारणा है। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 335 ऑफ इंडिया क्या बोलता है, थोड़ा रीड करूंगा। जो आर्टिकल 335 है वो क्या बोलता है सुनिए, थोड़ा सा एड चैलेंज का है। आर्टिकल 335 कहता है The claim of the member of scheduled caste and scheduled tribe shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointment to services and posts in connection with affair of Union of India and states। ये क्लियर कट कह रहा है कि जहां भी रिप्रेजेंटेशन जरूरत पड़े तो आप उसको दो, चाहे हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इसकी रिकमेंडेशन साथियों हमारा जो शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है, एससी एसटी जो ट्राइब कमीशन है, उसके पास पावर है, उस पर शक्तियां हैं कि वो हमारे शेड्यूल ट्राइब की जो वेलफेयर की जो स्थिति है उसको सामने रखे, देखे, ध्यान दे, उसमें अधिकार देने का प्रावधान करे। तो साथियों उसने 2014 में अपनी रिपोर्ट दी कि आप इनकी भी भर्तियां करें, कंसिडरेशन करें, उसकी अपनी रिपोर्ट है, वेबसाइट पड़ी हुई आपको दे सकते हैं। उसके बावजूद भी ये शक्तियां नहीं मानती है, ये शक्तियां मानती नहीं है क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाबा साहब ने सही कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, बात सही है, पॉलिटिकल सत्ता से हमारा सब कुछ साधन हो सकता है, पर साथियों हमें यार चौतरफा युद्ध करना पड़ेगा, चारों तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का छोड़ना नहीं है, हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को भर्ती करनी है। उसके पश्चात भी होगा, मैं बताऊं मैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से कहानियां हटती हैं। अभी साथियों 10% का रिजर्वेशन था, उसका 25 जनवरी 2018 को हमने पिटीशन फाइल की, कोर्ट से नोटिस कराया, रिक्वेस्ट किया कि आप स्टे दो, स्टे नहीं दिया, कोई बात नहीं, चीफ जस्टिस ने कहा हम इसको स्क्रीनिंग करेंगे, कोई बात नहीं। कोर्ट ने लिखा लिस्ट द मैटर रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स, रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स, इसे लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लिखा और बोला इश्यू नोटिस। अब इसका मतलब होता है कि 4 हफ्ते के बाद तुरंत मैटर कोर्ट में लगेगा, इसके सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लगेगा। पर साथियों सरकार की मंशा ऐसी नहीं, इनको साथ लग रहा था ये कोर्ट जो है स्टे कर सकती है, उनकी मंशा मतलब जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस पे पानी फिर सकता है। इन्होंने क्या किया, इनकी रजिस्ट्री जो थी तब तक इन्होंने क्या किया, इनकी रजिस्ट्री जो होती है वो बहुत शक्ति होती है, वो कभी चीफ को भी नगण्य कर देती, कुछ भी अंदर खाने क्या चाहिए, चीफ को क्या पता क्या हो रहा है। उन्होंने साथियों उसकी डेट जो है 12 अप्रैल 2019 दे दी, 12 अप्रैल 2019। अब जब इसका हमें ज्ञान हुआ कि यार इसको कोर्ट ने खुद लिखवा रखा है टेबल पे 4 वीक्स, हमने कहे तो कोई घोटाला चल रहा है इसको लगता है। हमने जाके इसको रजिस्ट्रार को मेंशन किया, मैंने कहा सर दिस इज द ऑर्डर, हाउ कैन यू गिव द लॉन्गर डेट। अब उसको मैंने सबसे ज्ञान बोला, मैंने कहा याद करो नहीं तो चीफ के पास मेंशन करने जा रहा हूं। चीफ साहब आजकल वैसे ही नाराज हुए कि बहुत गड़बड़िया हो रही है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जो दो कोर्ट मास्टर पकड़े गए थे, उन्होंने अंबानी के केस में जो है वो डिस्पेंस विद की नॉट डिस्पेंस विद कर दिया था। तो इस तरह से बड़े घोटाले होते हैं, कब होते हैं जब हम लोग नहीं हो, आप हम हैं तभी तो आपको बता रहे हैं। मेरा वहां करने वाली मेरा फिगर की सोसाइटी है कि मैं अपने वकील को ये बताऊं कि मेरी फिगर की सोसाइटी है, यदि मैं नहीं होता तो उनकी किसी षड्यंत्र का पता नहीं लगता। साथियों इसी के तहत मैं अपनी बात को विराम देता हूं, मेरे पास डाटा बहुत है, मैं डॉक्टर साहब को दूंगा, मैं डॉक्टर साहब को बोलूंगा, डॉक्टर साहब प्लीज इसको जरूर डाटा के साथ और हर एक हाईकोर्ट में कितने जज हैं, कौन कौन है उसको मैं नाम दूंगा, उसको आप पब्लिश करें ताकि ये जो बातें हैं जनता के सामने जाए, अधिक से अधिक जाने जाए। और मेरे आप सभी को माता बहनों सभी से अपील है कि ज्यादा संख्या में हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखता होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा तो ये स्थितियां जो है हर दिन पैदा होती रही है और पैदा होती होगी। और मैं बताऊं आपको बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बुजुर्ग साथियों ने कुछ नहीं किया, साथी हमारे बुजुर्ग साथियों ने ही किया जिसकी बदौलत मैं यहाँ बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने बुजुर्ग साथियों को मैं छोटी सकता हूँ, उनकी बदौलत है, उन्हीं के परिश्रम का परिणाम है कि आज हमारी पूरा हॉल मुझे लगता है कि यंग साथियों से भरा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डायरेक्ट पूरा मंच से यंग साथियों भरा हुआ है, इसी तरह से यदि हमारे यंग योद्धा के बाहर आ गए तो साथियों हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता, मैं आपको बताता हूँ कोई नहीं छीन सकता, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी छीन सकता क्योंकि वो अभी बाउंड है, बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब ने सबसे बड़ा दिया।
दिया, उसमें लिखा था वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसलिए हमें जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही इसी के साथ दो कुछ बातें हैं, मेरा एक वही है कि आप अप्रूव द करप्शन, दूसरा हमारा एजेंडा है एडिक्वेट, मैं एडिक्वेट वर्ड यूज करता हूं, एडिक्वेट प्रेजेंटेशन इन द ऑल सेट स्पेशली इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बाकी प्राइमरी एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे मुद्दे हैं। तो हमारे रिटायर्ड जस्टिस जी एस कन्नन साहब ने एक वीडियो उठाया हुआ है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर की है जिसके तहत पूरे लोकसभा इलेक्शन की लड़ाई लड़ने वाले हैं, उसमें मैं उनका साथ दे रहा हूं और हमें चाहिए, हम सबको उनका साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश को चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उन्होंने जो बहुजन शक्ति है उनका समर्थन किया हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि आई एम एडॉप्टेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड बहन जी ऑल्सो एडॉप्टेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सो वी आर ब्रदर सिस्टर, एंड वी आर ब्रदर सिस्टर, हमें किसी अपोज नहीं करना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमें बीजेपी को हराना है, उसी तरह हमें काम कर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री कृष्ण।